बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाफिज इस्माइल वीकली मार्केट रैपअप के साथ हाजिर हुआ है। लास्ट वीक मेरी तबीयत कुछ सही नहीं थी तो मैं वीकली रैपअप नहीं कर सका, तो चलिए इस वीक के हम देख ले, लास्ट वीक का भी थोड़ा नजर डाल लेते हैं। लास्ट वीक का मैंने आपको जो है आपके साथ शेयर ये किया है, स्कैंडल को देखें तो लास्ट वीक में वॉल्यूम जो है 1.04 बिलियन का हुआ था। इंक्रीज जो हमने 2180 पॉइंट तकरीबन बनते हैं 4.28%, और इस वीक में देखें तो उससे ज्यादा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, 1.14 बिलियन का तकरीबन वॉल्यूम इसमें हमने जनरेट होते हुए देखा है, और तकरीबन वही 4.28% जो है इजाफा हुआ है, जो बनता है तकरीबन 2268% मजीद और ऐड हुए हैं विद इंक्रीज इन मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो लास्ट वीक के मुकाबले में तकरीबन 266 बिलियन का इंक्रीज देखा है, और जिस तरह मैं आपको बताता रहा हूं कि मेरा मेन इंडिकेटर जो है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, कैश फ्लो है। कैश होगा, कैश फ्लो बढ़ेगा तो मार्केट भी बढ़ेगी, तो तकरीबन समझे 7900 समथिंग के अराउंड है, और 8000 का जो मेरा टारगेट था या बेंचमार्क था वो तकरीबन अचीव होने वाला है। मार्केट अगर मजीद जाती है तो कैश फ्लो और एड होगा, तो ये 8000 बिलियन जो है इतना होना चाहिए मार्केट में। तो अगर ये इसको सस्टेन करता है या इन बिटवीन 7500 और 8000 के दरमियान मार्केट कैपिटलाइजेशन मूव करता रहता है तो मार्केट अच्छी लगती आगे भी, और मजीद इसमें जो है पॉइंट्स ऐड होने की तवक्को है। RSI देखें, अब यहाँ पे देखें काफी, यहाँ से जब से मार्केट यहाँ से इसने शुरू किया है अपना अपवर्ड मूवमेंट दिखाना 44600 के अराउंड से, यहाँ से ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे भी कोई हमने करेक्शन देखी नहीं है। इंट्राडे में, वीकली बेस पे बात कर रहा हूं मैं, तो इंट्राडे में अगर हम देखें तो करेक्शन थोड़ी आई है, लेकिन वीकली पे एज सच कोई करेक्शन अभी तक आई नहीं है। RSI देखें तो इस वक्त 80 पर है, ओवरबॉट जोन पे, ऑब्वियसली ओवरहीटेड है वीकली पे। डेली पे नजर डालें तो RSI 90 पर है, तो डेली का 90 और वीकली का 80, ये दोनों इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट इस वक्त ओवरहीटेड है, ओवरबॉट जोन में एंटर हो चुकी है, वही परफॉर्म कर रही है। डाइवर्जेंस देखें, थोड़ा सा लाइन चार्ट का यूज करते हुए हम जरा इसका डाइवर्जेंस भी देखेंगे। अच्छा, डाइवर्जेंस देखें तो एज सच अभी इतना कोई हिडन डाइवर्जेंस है, इतना कोई ज्यादा बड़ा डाइवर्जेंस अभी डेली पे नहीं है। वीकली पे देखें तो वीकली पे हिडन डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है, फॉर्म हो रहा है यहाँ पे RSI पे, लेकिन ये कहाँ जाके पूरा कंप्लीट होगा ये पता नहीं, लेकिन ये के मैंने कुछ ऐसे ही पहले भी बताया कि 8000 बिलियन रुपीस का भी इस वक्त जो है कैपिटलाइजेशन चल रहा है, तो बाद अवकात ऐसा होता है कि कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जिनमें फंड्स की बाइंग होती है और होल्डिंग होती है और मजीद और बाय करें, क्योंकि उनके लिए मार्केट इस वक्त डिस्काउंटेड है, तो जरूरी नहीं है। ऐसे ही मैंने पहले भी आपको बताया था, ऐसे ही डाइवर्जेंस पानियर में भी आया था 78 रुपीज के अराउंड, तो वो उसको सस्टेन किया उस डाइवर्जेंस को, उसने उस रेट को मैक्सिमम आया नीचे की तरफ 74-75 रुपए आया, फिर इसने अपवर्ड मूवमेंट दिखाना शुरू, क्योंकि इसमें फंड्स की और बिग प्लेयर्स की बाइंग थी। ठीक है, सीमेंट सेक्टर में देखे सब स्टॉक नहीं चले, आपने स्पेशली नोटिस किया होगा पाइनियर और चेराट स्पेशली ये बहुत वॉलेटाइल रहे, इनमें फ्लक्चुएशन बहुत तेजी से आई और ये हायर हाई बनाते गए, जब से उन्होंने लो किया था उसका फिर हायर हाई अपना ये बनाते गए, और OGDC PPL जिनमें आप देखें आपको खुद अंदाजा हो जाएगा वॉल्यूम किन किन स्टॉक में जनरेट हो रहे हैं ज्यादा और कैपिटल गेन किन में ज्यादा मिल रहा है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वॉलेटिलिटी भी उन्हीं में स्टॉक में है और वॉल्यूम भी उसी उन्हीं में बन रहे हैं। तो पिछले आप मेरी वीडियो देख ले, मैं आपको उसमें बता भी दिया है कि PRL उसमें काफी वॉल्यूम जनरेट हुआ, OG में काफी जनरेट हुआ, फिर मैं ये एक दो स्टॉक मैंने मिसाल के तौर पर याद आया तो बता दिया, आप फिर बहरहाल देख लीजिएगा, और आप वैसे भी PSX स्टॉक में जाके आप देख सकते हैं psx.com.pk में जाके, www.psx.com.pk में जाके आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम किस किस किन किन शेयर में जो जनरेट हो रहे हैं और कौन से शेयर वॉल्यूम लीडर हैं इस वीक में, देखिएगा ज्यादातर आगे कौन रहा है, तो उनमें आप काम कर सकते हैं। ऑब्वियसली डाउन पे मैं तो मशवरा ही देता हूँ कि हमेशा करेक्शन पे डाउन साइड पे बाय करें और अपर साइड पे सेल भी करें, तो ये ट्रेडर के लिए है और इन्वेस्टर अपना होल्ड कर सकते हैं, PE रेशियो देख लें और इस हिसाब से उसी शेयर में आप ट्रेडिंग भी करें, होल्ड करें उसी शेयर को, नीचे आए तो ले, नीचे लेके ऊपर बेचें, ट्रेडिंग भी करते रहें, तो उन्हीं पे फोकस करें। इस वक्त मेरा मशवरा यही है, जो हाई वॉलेटाइल है और जो ज्यादा वॉल्यूम जनरेट कर रहे हैं उन पे आप फोकस करें।
तो अभी इस वक्त देखें डाइवेजेंस मैंने आपको बताया नहीं है, वॉल्यूम भी अच्छे जा रहे हैं वीक ऑन वीक बेसिस पे देखें, ठीक है। अब इस वक्त जो है करंट सिनेरियो में सूरत हाल क्या नजर आ रही है, अगेन वही सीबीआर की हेल्प से जो हम देखेंगे, इस वक्त जो अपर साइड पे जो लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां से दो तीन, अगर हम डेली पे देखें तो दो तीन दफा, वीकली पे तो एक दफा दिखा रहा है, डेली पे देखें तो ये यहाँ पे ये दो दफा इसने इसको, ये तीन दफा नहीं बल्कि दो दफा 54,400 को रिटेस्ट किया, इसके बाद इसका ब्रेकआउट मिल गया। तो यहाँ पे अक्सर लग रहा था कि यहाँ पे जो है बायर जो है एग्जॉस्टिस है, लेकिन फिर अगेन जिस तरह मैंने आपको पहले कहा था बिग प्लेयर फिर एंटर हुए यहाँ पे, फिर मार्केट को और मजीद ऊपर ले गए। तो अभी फिलहाल जो देखें सीपीआर की हेल्प से अगर हम देखें तो डेली पे भी बहुत अच्छा सपोर्ट नजर आ रहा है 54,462 का, ये बहुत अच्छा सपोर्ट है, और सीपीआर का लोअर बैंड है, मिडिल बैंड भी एक अच्छा सपोर्ट है 54,900। ये मैं वीकली पे आपको वीकली यहाँ चार्ट कर देता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम, ताकि आपको आसानी हो जाए, थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर भी कर दूं और जूम इन भी कर दूं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें आपको क्लियर नजर आ जाएगा, इस वक्त तो देखिए कि मार्केट ऊपर साइड अपर साइड पे परफॉर्म कर रही है। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी वजह भी आपको बता दूं, जब ये मैं शेयर कर रहा था मंथली पे, वीकली पे भी आपको बता दूं, ये मैंने पहले भी शेयर किया था, ये हैरेमी बुलिश पैटर्न कहलाता है, ये वाला जिसे जैपनीज में प्रेग्नेंट वुमेन बोलते हैं, इसी तरह के जैसे ये कोई है फिगर खड़ा हुआ और ये पीछे से या आगे से पेट निकला हुआ है, लेकिन इसे हमेशा देखें, मैं हमेशा कहता हूँ कंफर्मेशन बहुत जरूरी है। तो यह देखें यहाँ साइडवेज रही इसी लेवल पे साइडवेज रही, ठीक है, यहां से लेके यहां तक ये परफॉर्म करती रही, ठीक है, 45,768 से लेके 46,400 के दरमियान, मतलब समझे 1,900 पॉइंट के दरमियान ये वीकली पे यहाँ पे ये थोड़ा परफॉर्म करती रही मार्केट, फिर इसका ये ब्रेकआउट मिला अपसाइड पे जो जहां से रिजेक्शन देख रहे थे थर्ड वीक में, और इसके बाद मार्केट तो यहां से एंट्री ली गई, एंट्री ली जानी चाहिए थी और एंट्री ली भी गई इस लेवल से, और स्टॉप लॉस जो था वो इसके इसके नीचे और इसके नीचे था, जो वैसी बात है डे ट्रेड पे मैं बताता रहा हूँ कि भाई ये स्टॉप लॉस इधर रखे, और मैक्सिमम जो स्टॉप लॉस जो था वो इसके नीचे था, ये वाला 45,306 के नीचे जो इसकी नेक लाइन सपोर्ट है, या इसको अब मजीद और नीचे कर दें, ये वाला बेहतरीन सपोर्ट है 45,162। 45,000 के नीचे अगर मार्केट परफॉर्म करती तो फिर और मजीद नीचे आती, लेकिन इसने ये अपना हाई भी तोड़ा जो उसने हाई किया था, ये वाला लेवल जो जो अब तक का बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन गया, पहले ये 49,400 का लेवल जो था वीकली पे और मंथली पे दोनों पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, अब वो कन्वर्ट हो गया है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे। अब यहाँ पे देखें यहाँ से मार्केट अपसाइड पे परफॉर्म किया था मार्केट ने, फिर सपोर्ट भी इसी एरिया से लिया, ठीक है, इस एरिया से सपोर्ट लिया, फिर अपसाइड इसने मूवमेंट दिखाना शुरू कर दिया है, ठीक है। अब हम जो है कहाँ तक ऊपर जाएगी, पहले तो ये है कि यहाँ तक ऊपर अभी लग रही है 54,400-55,000, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे हो सकता है साइडवेज है, लेकिन अगर इसको ब्रेक करती है मार्केट तो कहां तक जाएगी, तो इसके लिए हम जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करेंगे, ठीक है। ये हाई था और ये इसका लो था, ये वाला एरिया जो है 45,044-45,500 का, ठीक है। तो पहला जो था 52,300 जो मैं बोलता रहा था, ये वाला ये इसने ब्रेक कर दिया, इसका गोल्डन रेशियो जो था 1.618, ठीक है, ये इसको ब्रेक किया 52,300-52,300 में बोलता रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके अब जो है अगला लेवल जैसे मैंने बताया 57,000, राउंड फिगर में बताया ऑब्वियसली, तो ये बन रहा है 57,254 का, ये वाला एरिया। अब इसके अगर बात, क्योंकि अभी तो ये इस वक्त जो है यहाँ पे हो सकता है साइडवेज हो, फिर इसके बाद फिर अपसाइड मूवमेंट दिखाए हो सकता है, तो लेकिन अब अभी जो सबसे पहले हम सीपीआर की हेल्प से लेंगे, हेल्प के से ट्रेंड डिफाइन करेंगे कि ये कहाँ है नीचे जा रहा है। देखिए ना, अगर यहाँ पे भी मैंने आपको पिछली वीडियो देख लिया तो यहाँ पे मैंने सीपीआर बताया था, तो सीपीआर के अंदर परफॉर्म किया फिर सीपीआर को ब्रेक किया, तो अभी इस सीपीआर के अपर लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करती है मार्केट तो 57,200 जो है ये एक्सपोज हो जाएगा, ये वाला लेवल, ठीक है। तो अभी तो ये फिलहाल ऊपर मार्केट जाती हुई नजर आ रही है, यहां तक जो एक्सपोज हो चुका है 55, जब 53,000 52,300 तोड़ा
तो फिर उसके बाद 55,000, 55,000 के बाद 57,000, ये मैंने पहले भी टाइटल में लिख के दिया था, जो पिछली वीडियो आप देख लेते हैं, देख सकते हैं। अच्छा, अब नीचे ऑन द फ्लिप साइड डाउन साइड पे क्या होगा, ठीक है, इसको मैं थोड़ा रिमूव कर दूं। अच्छा, डाउन साइड पे सपोर्ट कहां पे नजर आ रही, अगर सीपीआर को ब्रेक करता है इंडेक्स जो है, ठीक है, तो एक तो हम यहां से लेंगे, ये वाला एरिया पहले तो हम रेजिस्टेंस ले लेंगे। देखिए ये तकरीबन यही बनता हुआ नजर आ रहा है ये एरिया, बल्कि इसको भी हम साथ ले लें, ठीक है, और इसको थोड़ा ये कर दें और इसको थोड़ा सा और ऊपर कर ले, ठीक है। अगर हम ये एरिया लें यहां से, तो अब आने वाले दिनों में ये इसको भी रिटेस्ट कर, 57,000 और 58,000, ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से बता रहा हूं, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है ये। लेकिन अभी फिलहाल ये 57,000 पे नजर आ रहा है, अगर हम यहाँ पे भी देखें इसको, तो ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, ये इससे सिंक्रोनाइजेशन बन रही है इसकी, तो ये इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ऑलरेडी इसकी सिंक्रोनाइजेशन यहाँ आ रही है, तो यहाँ तो थोड़ा केयरफुल होना चाहिए 57,200 के अराउंड, यहाँ पे करेक्शन बन सकती है। करेक्शन इन केस ऑफ करेक्शन, तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल है 55,500 का, ये सपोर्ट लेवल पे कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे आके कोई विक बनती है और इसी के ऊपर स्टॉक परफॉर्म करता है और इसका ब्रेकआउट मिलता है, तो मजीद ही अपसाइड दिखा सकता है, इवन 60,000 तक भी ये जा सकता है, ठीक है। अब हम एक और जो है ट्रेंड लाइन बनाएंगे, यहां से लेंगे हम ट्रेंड लाइन और ये इसको यहां से लेंगे, यहां से यहां तक, ठीक है। तो आने वाले दिनों में ये हो सकता है, अगर इसको ब्रेक करता है, सबसे पहले तो ये 53,000, 52,300 जो पहले भी मैंने आपको बताया था, ये अच्छा सपोर्ट लेवल है, और प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें तो ये वाला, ये इन केस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ 54,600 या 54,500, 400, ये इसका लेवल जो है, ये ब्रेक करता है तो 52,300, फिर इसके बाद ये नीचे का ये लेवल होता हुआ नजर आ रहा है रीटेस्ट, अगर ये नीचे की तरफ शुरू कर देता है परफॉर्मेंस अपनी, तो यहां तक इसको हम देख सकते हैं। अपसाइड पे मैंने आपको बता दिया है कि अभी तो फिलहाल ये यहीं तक ही नजर आ रहा है, तो अभी अगर हम देखें, थोड़ा सा इसको मैं एक्सपेंड कर दू ना, और थोड़ा सा जूम इन भी कर दू, एक्सपेंड तो काफी हो गया, जूम इन कर देता हूं ताकि आपको समझ, लेवल भी सारे आप देख ले, समझ में आ जाए आपको। अब अप साइड पे अब ज्यादा चांस नहीं है जाने का, अब थोड़ा सा ही चांस है, डाउन साइड के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि अब ये रेजिस्टेंस को भी अपना टच करने वाला है, ठीक है, और आरआई से भी बहुत हाई है और हिडन डाइवर्जेंस भी डेवलप होना शुरू हो गया है, तो थोड़ा सा कॉशियस रह के काम करें, इतना एग्रेसिवली बाइक ना करें, मेरा मशवरा यही है, थोड़ा सा कॉशियस रह के काम करें, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से एक ये सपोर्ट जो है बनती हुई नजर आ रहा है, सॉरी मैंने इसको कलर चेंज नहीं किया, फ्लो में खड़ा रह गया, तो बहरहाल मैं इसमें कलर दे देता हूँ, ठीक है ना, ये सारे सपोर्ट कलर अभी फिलहाल लीजिए, यही दे रहा हूँ जो इनिशियल है, ठीक है ना, ये भी जो रेड मैंने आपको बताया ये भी सपोर्ट है, लेकिन अभी तो फिलहाल आप इसी को देखिए वीकली पे, के अब सिनेरियो क्या बनता हुआ नजर आ रहा है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 57,230, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑन वीकली टाइम फ्रेम जो इन बिटवीन सीपीआर के जो है अपार्ट फ्रॉम सीपीआर, तो जैसे सीपीआर का ब्रेकआउट होता है तो 57,229 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और अगर सीपीआर का लोअर बैंड 54,462 ब्रेक होता है, ब्रेकडाउन मिलता है, तो ये 53,000 का लेवल भी रिटेस्ट कर सकता है, ये वाला लेवल, ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग मुझे फिर इसके बाद यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती हुई नजर आ रही है 51,500 के, तो अगर ये ब्रेक करता है जैसे फॉर सपोज 54,500 या 400, तो 53,100 समझ लें, 53,100 और 51,500, ठीक है, ये मैं अभी इसको भी रख लेते प्राइस एक्शन के हिसाब से, इसको मैंने आई थिंक लिया था, हाँ इसको नहीं सही, इसको इस वाले को, बीच वाले को, ये वाले को रिमूव कर देते हैं, ठीक है,
तो अभी तो फिलहाल देखें 53,100 ये बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है और 57,229। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो फिर यहाँ के वीक बनती हुई नजर आती है वीकली पे, अगर नहीं होता तो फिर अगेन यही ये वाला लेवल 49,400 49,100 तकरीबन ये लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है, ये भी प्राइस एक्शन के हिसाब से भी और ट्रेंड लाइन सपोर्ट के हिसाब से भी। तो कोशिश रह के काम करें, बहुत हाई साइड पे मार्केट है, ज्यादा एग्रेसिव बाइक ना करें, ये मेरा मशवरा है। और ट्रेडर के लिए तो मैं हमेशा कहता हूँ बाय लो सेल हाई, मार्केट बहुत अच्छी है और मैंने आपको बता दिया हाई वॉल्यूम और हाई वोलेटाइल स्टॉक में काम करें, अगर रुक भी जाता है तो दूसरे दिन वो स्टॉक परफॉर्म करता है तो आपको उसमें प्रॉफिट मिल सकता है। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।